नमस्कार, खमा गणी, राम राम साहब। मैं महावीर सिंह राजपुरोहित हमेशा की तरह आप लोग लेके आयु एक नई प्रॉपर्टी। आज हम आए जोधपुर की जो नई रिंग रोड है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये रहेगी पारसनाथ सिटी जो कि रहेगी गेटेड सोसाइटी के अंदर। ये जो आप मेरे पीछे मॉड्यूलर आप देख सकते हैं, मॉडर्न हाउस देख सकते हैं, ये रहेगा 35x65 का फुल्ली फर्निश्ड हाउस। इस घर के अंदर आपको स्विमिंग पूल, होम थिएटर और काफी ढेर सारी चीजें मैं आपको सारी की सारी डिटेलिंग में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं इसके एलिवेशन की बात करूँ तो एलिवेशन के अंदर आप देख सकते हैं जोधपुर स्टोन, ACP, काफी सारी आपको यहाँ पे चीजें देखने को। तो चलिए मैं दिखाता हूं ये हाउस पूरा आपको डिटेलिंग में। सबसे पहले अगर मैं इसके मेन डोर की बात करूं तो मेन डोर आप देख सकते हैं यहां पे आपको SS का रहने वाला है जो कि काफी हैवी लुक के अंदर रहेगा। और ये रहेगा इसका पोर्च एरिया। पोर्च एरिया भी आप देख सकते हैं यहां पे आपकी बड़ी गाड़ी SUV आराम से पार्क कर सकते हैं। इस हाउस की दो एंट्री रहने वाली, एक जाएगी ड्राइंग रूम के अंदर और एक जाएगी लॉबी के अंदर। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। और ये रहेगा आप देख सकते हैं इसका गार्डन एरिया, काफी अच्छा और काफी वेल फिनिश के साथ आपको ये पूरा का पूरा हाउस रहने वाला है। और उसके बाद में ये आ गए आप देख सकते हैं इसके ड्राइंग रूम के अंदर। ये ड्राइंग रूम आप देखिए आपको काफी लग्जरी रहने वाला है। जो इसकी फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग यहां पे आपको काफी प्रीमियम और काफी अच्छी रहने वाली है। आप मेरे लेफ्ट साइड के अंदर वॉल देख सकते हैं, वॉल काफी डेकोरेटिव और काफी यूनिक रहने वाली है। यहां पे आपको एल शेप के अंदर सोफा रहेगा और ये रहेगा आपका टीवी पैनल। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसका मॉड्यूलर किचन है। वो मॉड्यूलर किचन से पहले आप देखिए ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफी अच्छा स्पेसियस रहने वाला है। यहाँ पे आपको नीचे वुडन टाइल्स का काम हो रखा है। और ये रहेगा आपका देख सकते हैं किचन। किचन आपको देखिए यू शेप के अंदर काफी स्टाइलिश और काफी मॉडर्न किचन रहने वाला है जिसके अंदर आपको सारे के सारे टैंडम बॉक्सेस है वो की रहेंगे सॉफ्ट फ्लोजर के अंदर। और सारे के सारे टैंडम बॉक्सेस काफी हैवी लुक के अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद में अपर कैबिनेट्स भी आपको यहाँ पे काफी स्पेसियस और काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाले हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सेटर का भी प्रोविजन दे रखा है, जो भी आप माइक्रोवेव या एक्स्ट्रा कुछ भी सामान वगैरह है वो सब कुछ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और जो इसका सिंक है, सिंक भी आप देखेंगे ये आपको काफी स्टाइलिश और काफी आप देख सकते हैं काफी यूनिक आपको ये सिंक मिलने वाला है। उसके बाद में फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको एक विंडो का भी प्रोविजन दे रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको वेंटिलेशन का सारा ध्यान रखा गया है। ये 35x65 का ईस्ट फेसिंग का हाउस रहने वाला है जिसके अंदर आप देखिए ये पूरा का पूरा डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है। जो मैंने आपको सेकंड एंट्री बताई थी वो रहेगी आपकी इस लॉबी से। और ये आप देख सकते हैं ये आपको सिटिंग एरिया रहने वाला है। और ऊपर आप देखिए आपको झूमर काफी यूनिक और काफी बड़ा यहाँ पे झूमर लगा रखा है। और ये रहेगा आपका टीवी पैनल, काफी बड़ी आप देख सकते हैं ये वॉल डेकोरेट होके मिलेगी। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूं जो इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है वो। आइए, फर्स्ट मास्टर बेडरूम भी आप देखिए ये भी आपको काफी बड़ी और काफी किंग साइज के अंदर मिलने वाला है जिसके अंदर आप देखिए इसका जो बेड है, बेड का जो पॉसिस वर्क है आपको काफी बड़ी साइज के अंदर ये बेड मिलेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको फैंसी लाइट्स का काफी अच्छा काम हो रखा है। जो इसकी फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग काफी यूनिक और काफी अच्छी रहने वाली है। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं इसका जो टीवी पैनल बना रखा है वो भी काफी अच्छी साइज के अंदर और काफी बड़ी साइज के अंदर। यहाँ पे आपको बुक शेल्फ्स का प्रोविजन दे रखा है जो काफी अच्छा और काफी स्टाइलिश रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका वॉकिंग वार्डरोब प्लस जो वॉशरूम है वो। ये देखिए ये रहेगा आपका वार्डरोब। वार्डरोब भी यहाँ पे आपको काफी स्पेसियस और काफी बड़ी साइज के अंदर रहने वाला है। उसके बाद में फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको ग्लास का प्रोविजन दे रखा है। और ये आ गए हम इसके वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर भी आप देखिए यहाँ पे आपको ग्लास का पार्टीशन दे रखा है। और ये रहेगा आप देख सकते हैं जगुआर के सारे यहाँ पे आपको सैनिटरी फिटिंग मिलने वाली है। ये आ गया आपका कमोड सेक्शन, वहां पे आगे आगे आपका सेपरेट शॉवर सेक्शन। और यहाँ फ्रंट के अंदर आगे आप देख सकते हैं वॉश बेसिन। ये सारी की सारी चीजें हो सकती है सिर्फ आपकी। अगर मैं इस हाउस की रेट की बात करूं तो ये मात्र 2 करोड़ के अंदर 35x65 साइज के अंदर ईस्ट फेसिंग का घर हो सकता है सिर्फ आपका। जल्दी से आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसका कॉमन वॉशरूम है वो। कॉमन वॉशरूम से पहले देखिए ये रहेगा आपका, आप देख सकते हैं गोल्डन के अंदर यहाँ पे आपको वॉश बेसिन का प्रोविजन दे रखा है। फ्रंट के अंदर यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे ग्लास का प्रोविजन दे रखा है। और ये आगे आपके इसका कॉमन वॉशरूम, ये आगे आप देख सकते हैं कमोड एरिया। और ये आगे शॉवर सेक्शन, इसके पीछे यहाँ पे आपको एक छोटा सा बैक एरिया भी दे रखा है जो आपको काफी स्टाइलिश आप देखेंगे, आपको काफी यूनिक और काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाला है। ये रहेगा आप देख सकते हैं इसका वॉश एरिया, यहाँ पे आराम से अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह या कपड़े वगैरह आप आराम से सुखा सकते हैं। उस इसी के साथ में आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है जो कि इसकी सीधी एक्सेस यहाँ से रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका ग्राउंड फ्लोर का जो सेकंड मास्टर बेडरूम है वो। सेकंड मास्टर बेडरूम देखिए ये भी आपको काफी बड़ी और काफी किंग साइज के अंदर मिलने वाला है। आप इसका आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्ट के साथ में पूरा का पूरा घर डिजाइन किया गया है। काफी सारी आपको इस घर के अंदर छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये आप देखिए आपको डबल बेड रहेगा, यहाँ पे आपको फुल हाइट आप देख सकते हैं आपको 11 फीट की फुल हाइट रहेगी। और ये रहेगा इसका टीवी पैनल। जो इस घर के अंदर आप विंडोज देख रहे हैं ये आपको UPVC की विंडोज रहने वाली है। फैंस के प्रोविजन दे रखे हैं। घर में जहां जहां पे आपको AC की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पे आपको सारी की सारी AC की फिटिंग दे रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉकिंग ड्रेसिंग प्लस जो वॉशरूम है वो। ये रहेगा आप देख सकते हैं इसका जो वार्डरोब एरिया है वो। और वार्डरोब भी यहाँ पे आपको काफी स्पेसियस मिलने वाले हैं। उसके बाद में फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज के अंदर ग्लास दे रखा है। और ये आ गए आप देख सकते हैं इसके वॉशरूम में।
वॉशरूम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको जैगवार की सारी फिटिंग मिलने वाली है। ये आगे आपका कमोड एरिया और यहाँ मेरे फ्रंट में आएगा, आप देख सकते हैं काफी बड़ी साइज के अंदर वॉश बेसिन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से पहले अगर आप देखेंगे जो इसकी आप स्टेयर्स है, स्टेयर्स आप देख सकते हैं काफी यूनिक और काफी स्टाइलिश रहने वाली है। जो इसका ग्रेनाइट है वो आपको ग्रे ग्रेनाइट रहेगा और जो इसकी रेलिंग है वो आपको रहेगी पूरी की पूरी ग्लास के अंदर, जो कि काफी हैवी और काफी प्रीमियम रहने वाली है। अब हम आ गए आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लॉबी के अंदर, ये भी आपको काफी बड़ी और काफी स्पेशियस रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है, वो थर्ड मास्टर बेडरूम भी देखिए, ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आपको होम थिएटर यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं काफी, ये पूरा का पूरा साउंड प्रूफ आपको ये रूम रहने वाला है। यहाँ पे आपको सारी की सारी आप देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा स्टोरेज के लिए सेक्शन दे रखे हैं। पूरे घर के अंदर जो आप लॉक्स हैं, लॉक्स भी आप देखेंगे ये भी आपको काफी हैवी और काफी प्रीमियम मिलने वाले हैं। हर कोई ये आज से लॉक्स नहीं लगाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो नेक्स्ट मास्टर बेडरूम के अंदर, ये आप देखिए नेक्स्ट मास्टर बेडरूम, ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर मिलने वाला है। फॉल सीलिंग इसकी काफी प्रीमियम और काफी अच्छी रहने वाली है। और ये देखिए आपको UPVC की यहाँ पे आपको विंडोज दे रखी है। और ये रहेगा इसका बालकनी एरिया, ये बालकनी भी आप देखिए आपको काफी बड़ी और काफी अच्छी साइज के अंदर बालकनी मिलने वाली है। एकदम शांत एरिया है, पीस आपको ये पूरी की पूरी कॉलोनी रहने वाली है। जो भी इसके आपको नेबर्स मिलेंगे वो आपको सारे के सारे डॉक्टर्स, काफी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, वो सारी की सारी चीजें आपको इस हाउस के अंदर अगर आप परचेस करते हैं तो इसके साथ में आपको मिलेगी। उसके साथ में यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बालकनी भी मिलेगी, ये रहेगी आप देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बालकनी भी मिलेगी। यहाँ पे आराम से आप अपना फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये भी आपको काफी अच्छी स्पेसियस मिलने वाली है। तो बताइए आपको ये 30x65 साइज का हाउस कैसा लगा? अगर आप इस हाउस की विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आ गए आप देख सकते हैं इसके जो लास्ट मास्टर बेडरूम की तरफ, सारे के सारे बेडरूम्स आप देखिए यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाले हैं। ये रहेगा इसका बेड, फॉल सीलिंग यहाँ की आपको काफी प्रीमियम और काफी अच्छी रहने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये रहेगा आपका टीवी पैनल, स्टोरेज के लिए आपको प्रॉपर सेक्शंस दे रखे हैं। जो भी इसका लेमिनेट वर्क है सारी की सारी चीजें आपको एकदम डिफरेंट मिलने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका वॉकिंग ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम है वो, ये देखिए आपको वॉकिंग वार्डरोब भी आप देखिए आपको फुल हाइट तक ही रहेगा, काफी अच्छे यहाँ पे स्टोरेज के सेक्शन दे रखे हैं। उसके बाद में ये आ गए इसके वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर भी आप देखिए टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफी यूनिक और काफी अच्छा रहने वाला है। वहां पे आप देखिए ये रहेगा आपका शॉवर सेक्शन, यहाँ पे आपको ग्लास का पार्टीशन रहेगा, ये आ गया आपका कमोड और यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया वॉश बेसिन। सारी की सारी फिटिंग्स आपको ब्रांडेड मिलने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फर्स्ट फ्लोर का जो कॉमन वॉशरूम है वो, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको वॉश बेसिन का काफी अच्छा काम हो रखा है। और ये देखिए पूरे आपको घर के अंदर जो भी वॉशरूम से जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है वो सारे की सारे एकदम लग्जरी रहने वाली है। ये आगे आप देख सकते हैं आपको शॉवर सेक्शन जो कि रेन शॉवर रहेगा, और ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैगुआर का जो कमोड रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पूरे घर का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो, चलिए जब भी आप काम करके शाम को घर पे आए तो यहाँ पे आते ही आपको एकदम पीस मिलेगा। ये रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, ये जो आप देख सकते हैं घर के आपको टेरिस के अंदर काफी अच्छा और काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप डाउन लाइट्स, वाटर बॉडीज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया। अगर आपके घर में कोई भी छोटी बड़ी पार्टी हो तो वो सब कुछ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको ये 35x65 का हाउस खरीदना है, अगर आप इसकी विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।